بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة मनाम कहते हैं क्या नींद और मनाम ख्वाब को भी कहते हैं क्योंकि आदमी सोता है ख्वाब में तो सोता नी, सोने ही में ख्वाब आता है इसलिए उसको भी क्या कहते हैं मनाम जब तुम में से कोई शख्स बेदार हो अपनी नींद से तो फल्यस्तन सिर फलासन उसे चाहिए कि अपनी नाक नाक को तीन मरतबा इस्तिन सार करे स्तिन और इससे पहले एक लफ्त गुदा इस शाख स्तिन और इस्तिन फलजस्तन सिर फलासन इस्तिनशाक कहते हैं नाक में पानी को खींचना ऊपर तक चला जाए और जब ऊपर तक पानी चला जाए तो नाक झाड़ना जो है उसको कहते हैं स्तिन इस इस्तिनशाक पानी ऊपर की तरफ खींचने को और फिर ताकत के साथ ऐसा नहीं कि ऐसा कर ले नहीं ताकत के साथ जो पानी आप झाड़ते हैं ना साफ करने के लिए ताकत के साथ जो झाड़ते हैं उसको कहा जाता है इस सार। आपने फरमाया अहादो कु मना में ही जब भी तुम में से कोई शख्स सो करके उठे शोषण तो रात वाला हाँ, रात को चूंकि दिन में आदमी सोते हैं, आम तौर पर एक घंटा आधा घंटा कभी आजकल पंद्रह बीस मिनट कोई आदमी हो जाता है, तो ये हकाम जो ज्यादा बयान किए जा रहे हैं वो लंबी नीत के जब रात जब तुम में से कोई सुबह उठे सोकर, तो सबसे पहले तीन मरतबा नाक को झाड़ दे क्यों झाड़ दे वजह क्या है फ इन शैकान तो वाला खैशुम ही क्योंकि शैतान उसके खैशुमे में रात गुजारता है यबीत बात यबी तो कहा जाता है रात गुदारना इसी लफ्ज से इस हदीस का माना यह लिया गया कि जब भी तुम में से कोई रात से रात को सो करके सुबह उठे क्यों तो फैन न शैतान है क्योंकि शैतान रात गुजारता है, है में। तो नाक झाड़ देगा तो शैतान गिर जाएगा भग जाएगा खैशुमा शैतान कहां रात गुजारता है खैशुमा खैशुमा किसको कहते हैं देखें नाक में दो सुराख हैं ठीक है ना और ये दोनों सुराख आगे यहां आकर के क्या हो जाते हैं एक ही हो जाते हैं वहां से एक सुराख तो ये दोनों सुराख जहां आकर के इकट्ठा हो जाते हैं फिर एक ही सुराख अंदर तक जाता है उसको कहा जाता है खैशुमा देखें, बदबक ने अपने रात गुजारने की जगह भी खूब ढूंढी लेकिन अल्लाह ताला खबीर है हम लोगों को शैतान भगाने का रास्ता भी बता दिया जैसे इंशाला आगे आएगा वो क्या है ना देखो हदीस के अंदर आता है शैतान इंसान को ऐसे जकड़ लेता है अब फरमाते हैं एक मिसाल दी कि जैसे देखो समुंदर के किनारे जाओ तो जहाज जो होते हैं पानी वाले या जो कश्तियां होती हैं वो ऐसे खुली नहीं छोड़ते बल्कि किनारे ला करके लंगर जो होता है वो जमीन में गाड़ देते हैं देखा है ना लोहे का बड़ा बड़ा होता है और वो ऐसा गड़ जाता है कि फिर कितनी मौजें उसको घुमाती रहती हैं लेकिन कश्ती अपनी जगह पर रह जाती है तो आपने अपना जिस तरह से वो लंगर जमीन पर कश्ती वाला गाड़ देता है ऐसे ही अपने पंजों को चुभो करके आदमी के दिल पर कब्जा कर लेता है कौन शैतान ऐसे बिल्कुल ऐसा कस के जकड़ लिया वो मुकम्मल तौर पर शैतान आदमी के दिल पर अपना कब्जा जमा लिया पंजा गाड़ दिया पंजा गाड़ देना पंजा गाड़ दिया जब इंसान अल्लाह तला का जिक्र करता है तो उसका पंजा झीला हो जाता है और जिक्र किया दिल आजाद हुआ और उसका उस शैतान की गिरफ्त खत्म हो गई और जहां जिक्र लाही से गाफिल हुआ शैतान ताक में लगा है फिर पंजा गाड़ दिया किस कदर शैतान अपने कब्जे में आदमियों को देव लगा जब इंसान सोया शैतान कहा के बैठ गया में। तो चलो रात गुजारने का अच्छा मौका मिला हुआ है अब एक आदमी सुबह उठा अल्हम्दुलिल्लाह। उठते ही क्या पढ़ा अलहमदुल्ला अहियाना बादमा अमा तना वह हिंद अब उसकी गिरफ्त जो है जिक्र की वजह से ढीली हो गई जो गाड़ रखा था वो ढीली यहां जो अपना डेरा डाल रखा था वो ढीला हो गया फिर अब आया वजू करने के लिए वजू शुरू करने वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा या हमाम में जाना है हम में जाते वक्त फिर जिक्र किया ढीला होता गया अब आदमी जब नाक में पानी डाला तो ढीला तो पहले ही से हो गया है जो खेमे गाड़ रखा था सारे खेमे की क्या कहते हैं रस्सियां बंधन टूट चुके हैं और अब जो पानी डालने के बाद जोर से नाक है झिड़की तो शैतान कम जमीन पर फास बहा न शीतन तीवन नफ्स अब बिल्कुल फ्रेश हो गया चला गया शैतान से आजाद हुआ अब माशा मेरे भाई चलो आपने उठते ही जिक्र जिक्राही शुरू कर दिया अब आप वजू किए सुन्नति फज्र पढ़ी वजीफे किए नमाज फज्र बा जमात अदा की सब जिक्र है और उसके बाद भी जिक्र फिक्र करते रहे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नशीतन शीतन नफ अब ये सुबह करता है तो बिल्कुल फ्रेश चुस्त उसे कोई परेशानी क्यों शैतान से आजाद जिक्रलाही की वजह से शैतान के गिरफ्त से आजाद दिल भी खुश दिमाग भी खुश चेहरे पर भी रौनक और आलमीन की इबादत का भी मौका मिल गया इसके बरखिलाफ अल्लाह अकबर हो सकता है आप तहज्जुद की भी नमाज पढें जिक्र अज़कार किए वक्त पर नाश्ता किए अब ऑफिस में जाने के बाद मुमकिन है सबसे ज्यादा आप चुस्त हो लेकिन इसके बरखिलाफ आप फरमाते हैं जो वैसे सो गया सुबह सोया भी रह गया नमाज भी ना पढ़ी उठा सोने के बाद की दुआ भी ना पढ़ी जिक्र स्कार भी ना किया खूब नींद पूरी कर लिया फास बहा खबी सनस ये इंसान जब सुबह करता है तो कभी इसके दिल में खुशी चेहरे पर कोई रौनक नहीं फ्रेश नहीं बैठे बैठा हाथ उठाना तो मतलब वैसे ही मुंह खोलता रहेगा जमाई लेता जाएगा दोनों के हालात दोनों के चेहरे दोनों के किरदार नुमाया होंगे क्यों एक नबी की सुन्नत प्रमल करता हुआ सुबह किया फास्बहा, न शैतान से आजाद होकर के और दूसरा यहां से ऑफिस ऑफिस तक गया लेकिन शैतान से अपने आप को आजाद ना करा सका आपने शास्त्र नमाया फैन तो शैतान ये बीत वाला में ही इमाम अहमद बिन हम्बल और बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं कि सोने के बाद उठना और ये नाक को झाड़ना और ये वजू में जो नाक झाड़ते हैं उसके अलावा ये है फर्क है ना ये यहां क्या है इधर तय कुम वजू को तस्करा नहीं है ये मुस्तकिल क्या है अमल है तो वजू करने के पहले पहले ये अमल होना चाहिए दुआ पढ़े और नाक झाड़े अपने हाथों को धुले फिर उसके बाद कदा है हाजत वगैरह और वजू का नंबर आता नहीं मैंने कहा कि इस आम तौर पर ही होता है कि क्या कोशिश करो पानी के बाद ताकि सब ढीला हो जाए चलो व अन हो और उन्हीं से यह मरवी है इदस्तई काहादो को मन्नौ में ही फलायदू फिल इना जब तुम में से कोई शख्स सुबह उठे सो करके उठे फलाना तो अपने हाथों को बर्तन में न डाल दे अब आजकल तो नल वगैरह है लेकिन अभी भी कभी इसे जरूरत पड़ जाती है पानी नल में पानी नहीं आ रहा है बाल्टी भरा हुआ है तो देखो कितनी सफाई सुथराई का इस्लाम ने ख्याल रखा है एक कहने की बात है एक नमाजी मुसलमान अगर पांच वक्त की नमाज की पाबंदी कर रहा हो तो दुनिया में इससे ज्यादा साफ सुथरा कोई नहीं रह सकता क्या ख्याल है भाई इससे ज्यादा साफ सुथरा पाक कोई नहीं रह सकता दुनिया में कौन सा मत है वो जो कहता है पांच मरतबा दिन में दांत भी साफ करो हाथ पैर भी दिलो चेहरा भी धुलो क्या ख्याल है यहाँ तो मामला ये है कि सुबह ऑफिस में जाने के पहले पहले एक मुर्ता मेकअप कर लो अब दोबारा चेहरा तो सारा मेकअप ही धुल जाएगा हाँ? वो क्या साफ सुथरा रहेगा साफ सुथरा तो वो रहेगा जो अजान हुई सबसे पहले दस कदा का दा आहा दो कोम में जब भी तुम में से कोई इंसान सो करके उठे फलायक मिस यत फिल इना तो हर गिद अपने हाथों को पानी में बर्तन में न डुबोए बर्तन में यानी बर्तन रखे हुए पानी में हाथ न डाल दे डुबोए ही नहीं गम से कमाने डूबो डाल दे जब तक तीन मरत अपने हाथों को धुल न ले अच्छा ये धुलना भी वजू का धुलना अलग है और ये सब वजू के पहले की बात हो रही है तीन तक धुल न ले क्या मतलब आज हम लोगों को चाहिए कि खदा हाजत इस वगैरह के पहले जब सो करके उठे नाक झाड़ लें दुआ पढ़ लें नाक झाड़ लें फिर उसके बाद क्या करें अब उसके बाद दूसरे काम क्यों ऐसा कर लें? देखा तुम में से किसी को ये पता नहीं उसका हाथ कहाँ कहा रात भर टहल रहा था इधर गया उधर गया इधर गया उधर गया, गया। मुख्तलि जगहों पे जाता है ना सोने में कुछ लोगों की आदत भी होती होगा देखा होगा ना है ना कि उनके उनके आज की जगह बिल्कुल है? फिक्स है तो इंसान को हमेशा चाहिए कहते हैं बल्कि वाजिबात में इसको इसको कहा जाता है वाजिबात में इमाम शाफी तो बहुत ताकीद करते थे और उसकी वजह भी देखो आज अभी हमारे भाई खाने के लिए बैठे हैं इनका बच्चा अपनी किताब से भी खेलता रहा हो चीन को मालूम है कि हाँ बच्चे ने कहीं हाथ नहीं लगाया कोई गंदगी थी लेकिन जब भी मार के बगैर हाथ धुल नहीं जेदी अभी मैं कुछ नहीं अरे पता नहीं इस पर कितनी मक्खियां बैठी होंगी कितना धूल कितना अकबर डॉक्टर के यहां बच्चे को लेके जाओ इसका पेट खराब है और कोई गंदी चीज उठाकर नहीं नहीं पाक चीज को नहीं अरे वो जमीन पर कोई गिरी पड़ी तो अल्लाह क्या ख्याल है दुनिया सब ये जरासीम 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 इतने हो गए कि अब नउ् हर चीज जरासीम हर एक का ये अलग होना चाहिए हर एक का गिलास अलग होना चाहिए अल्लाह तो हम जितना बचने लगे उतना ही ज्यादा वाकई जरासीम का सर होने लगा देखो इंसान सो रहा है इंसान खुजला लिया बदन को खुजला लेता है नींद में नहीं खा ली कहीं खून निकल गया कहीं फोड़े फुंसी है कुछ लग गया बदन में पात पसीना गंदगी है खुजला लिया हाथ भी पता नहीं हाथ कहां कहां इंसान का घूमता रहता है तो इसलिए चाहिए कि नसाफत का तका, का आ, तकादा ये है। और आज तो साइंस सबसे ज्यादा इसका जोर इस पर जोर देती होगी कि अपने हाथ को बिल्कुल चा कर लिया जाए अब तो बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भी हाथ गीला है तो नहीं नहीं किसी में नहीं पूछे क्यों वो किस वो हो है जिस चीज में पूछे वो कोई जरासीम वाह होगा और पानी ही जरासीम होगा तब वो कहा जाएगा लेकिन कहने का मतलब कि आज हाथ धुलने की कितनी ताकत की जा रही है हमारे नबी ने तो पहले ही सारी तालीम दे रखी है इसीलिए जरा सोचो ए, हाथ धुलने का जो मसला चल रहा है कि जब भी सो करके उठो पता नहीं हाथ जिसम में कहा कहां टहला था उसको धुल लो ठीक है ना आज ए, मैंने कहा कि साइंस यही कहती है डॉक्टर यही कहता है यही है ना कि वही कहीं भी जरासीम होगा हमने तो देखा है कि लोग जरा बराबर हाथ बच्चे को जहां एक मरता यहां लग गया तब जब तक दोबारा हाथ न धुले खाने के इजाजत नहीं और हमारे नबी ने क्या कहा खेलनी नहीं पहले सोते देखो सोने के बाद उठो तो सबसे पहले तुम्हारा काम हाथ ही धुलना हो इसीलिए महमूद रशीद के दौर में इमाम कुरतुबी रामतुल्ला ने नकल किया बड़ा अजीब गरीब वाक याद रखने के लाए इमाम कुरतुबी ने अपने तफसीर में नकल किया कि मामूर रशीद के दौर में उसके उसके दरबार में यहूदी भी रहता था आलिम होना चाहिए किसी ने किसी कोई फन वाला चाहे डॉक्टर हो कुछ भी हो समझिए ना अल्लाह हो अकबर है उसकी यहा मंत फलसफी क्या कहते हैं वो हिंदुओं के यहां जो सबसे बड़ी किताब क्या संस्कृत जानने वाला कुछ जबान किसी भी हरा किस्म के आदमी बैठते थे पूरा यूरोप तो था ही तो ईसाई बैठे हुए थे मुसलमान भी बैठे हुए थे तो एक ईसाई ने कहा कि भाई बगैर हमारे तरफ रुजू किए हुए तो मुसलमान अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं सकते तुम्हारे नबी सारी बातें तो नहीं लेकर के आए थे, थी। ठीक है रोजाना माध नहीं दवा और इलाज मुआलजे का तो इस्लाम में तुम्हारे नबी ने कोई तस्वर नहीं दिया है आखिरकार इस्लाम मोहताज हुआ ना इलाज मुआलिज़े में किसी गैर कौम का और तुम कहते हो इस्लाम मुकम्मल है अरे मुकम्मल तो है जिसमें किसी के मोहताजेगी ना हो अब तुम बताओ आज एक इंसान बीमार हो जाए तो बहरहाल उसे इस्लाम से हट करके कोई चीज उसका शरीयत में कोई इलाज है ही नहीं एक आलिम दीन बैठे हुए थे आलिम दीन उन्होंने फौरन पकड़ा कहा क्या कर रहे हो कहा कि भाई आपके नबी सब कुछ रहे लेकिन बहरहाल ना किसी छोड़ के गए मुसलमानों का क्यों कहा ठीक है अल्लाह की इबादत में तो किसी को मोहताज नहीं लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा मसला है इलाज और मुआलजे का अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो बहरहाल अब इस्लाम में तो कुछ नहीं मिलेगा उसको इलाज का सिलसिला कहां मिलेगा हमारे यहां अब बताओ तुम्हारे नबी ने कौन सी तालीम तुमको दी लाज मुआवल का लाह अकबर आने दीन थे गुस्सा कर बेवकूफामोश हो जा हमारे नबी ने बेहतरीन तालीम दी है आज महाना जी की फिर उन्होंने वो हदीस सुनाई कहा कि आज दुनिया में किसी डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले वो गिजा का मोटा हो रहा है तो वजन कम करो क्या ख्याल है सबसे पहले ना वजन कम करो और कहा जाता है कि सारी बीमारियां मेदे से हो पैदा होती कहां से वहीं से इंसान के मुंह में शाला आए वहीं से इंसान को बुखार हो वहीं से इंसान को इसहाल हो सारी बीमारियां कहां से शुरू होती है इसलिए कहा अलमेद तो बेतुदा का बीमारियों का घर कौन है मेदा मेदा ही बीमारियों का घर है कहा कि हाँ कहा कि देखो तुम्हारे यहां किसी के पेट में दर्द होगा तब तुम कहोगे इलाज कोई बुखार आ जाएगा तो इलाज और हमारे नबी ने क्या कहा है भाई हमेशा खाने के वक्त अपने पेट के तीन हिस्से बना लो एक हिस्सा खाना दूसरा पानी और तीसरा सांस के लिए हमारे नबी में और तुम्हारे डॉक्टरों में फर्क ये है तुम्हारे यहां इलाज बताया जाता है बीमार हो जाने के बाद और हमारे नबी ने जो इलाज बताया बीमार होने के पहले का कि बीमार ही ना हो अकबर यह जैसे पढ़ के सुनाया तो जो वहां डॉक्टर बैठा हुआ था हकीम का तबीब उसने कहा कि अल्लाह अगर यही तालीम जो मोहल्लम ने बता दी यही तालीम अगर बुकरात और सुकरात को मिल गई होती तो शायद वो कहता कि सारा इलाज जो है मोहसम ने इस एक हदीस में बयान कर दिया उसने तो वो पेश किया क्योंकि उस वक्त जरासीम का चक्कर नहीं था और आज इस हदीस को मिला दिया जाए किसको हां दुल्ह माली कहा जाए कि हमारे नबी तो पहले ही से इलाज कर दिए बताए हां दुल्ह पता नहीं रात भर कहां घूम रहा था फिर आप जरा सोचो ये इस्लामी तालीम आपने कितनी खैरों बरकत अल्लाह रखी है आज दुनिया जानती है कि पेशाब संडा सब गंदी चीजें हैं और मेदे में कोई गंदी चीज गई तो बहरहाल आदमी नबी लहम क्या फरमाते हैं फजर की नमाज अजान सुने उठ जाओ नमाज पढ़ लो अगर कोई इंसान उठना चाहता है फजर के वक्त या नींद खुल गई घड़ी भी देख लिया कि हाँ इतना टाइम सुस्ती किया तो शैतान पहुंच नम अलई के लई नम अलई के सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ अभी टाइम बाकी है अभी तो में बीस मिनट बाकी है फिर आदान हो रहे अरे पांच मिनट हो सोलो अभी तो आदान बीस माशाल्लाह माशाला आधे घंटे के बाद जमात खड़ी होगी आप फरमाते हैं शैतान थकिया दे दे करके सुला दिया और जब सुला दिया तो हाथ पैर दबाकर इतनी गहरी नींद की अब जमात छूट गई और जहां नमाज छूटी नबी रही सा फरमाते हैं उसके मुंह में पेशाब और संदास करके निकल गया देखा इसका मतलब शैतान जो है शैतान फज्र के पहले अपने संदास और पेशाब करने की जगह ढूंढता है तो जगह उसको कम वक्त को कहां मिलती है उन लोगों का मुंह जो फज्र के वक्त सोए रह जाए सुन लक्ष्मी का छोड़ो छोड़ो इसको इसके मुंह और कान में शैतान पेशाब करके चाहू अल्लाह अकबर जो नमाज को सोया जा रहेगा कितनी अजीब बात है अब इंसान शैतान हमको नजर ना आए शैतान का पेशाब शैतान का संघास वो भी कुछ लोगों को बड़ा शौक है सुबह उठेंगे बिस्तर पर तो क्या बेड टी चाहिए हा? उनको है ना बिस्तर पर अल्लाह अकबर उसको अगर उसी वक्त नो शरमा लिया तब क्या असर हुआ सारी गंदगी कहां गई इंसान के मेदे में तो हमारे नबी ने तो उस गंदगी से जहां से बीमारियां पैदा होती हैं उन्हीं चीजों को शुरू ही से किला कमा कर दिया आज दुनिया कहती है कि सफाई सुथराई ना रहने की बिना पर बीमारी हमारे नबी ने क्या फरमाया अपने घर को भी साफ रखो बिस्तर करो। अफनी हेरू अफनियाते कोम अपने घरों के सामने का जो मैदान होता उसको भी साफ रखा करो यूद नशारा का तरीका है कि हाँ अपने घर के सामने गंदगी रखें आर्फ में खबर तह फेरू अफनीतक अपने घर के सामने का मैदान भी साफ रखो मैदान साफ होगा तो मच्छर कहां जाएगा कहां से बीमारियां पैदा होती है। तो हमारे नबी ने जो तालीम दी है नदाफत सफाई सुथराई की अगर उसको अपनाया जाए तो ये नतीजा ये निकलेगा कि बीमारियों के सारे दरवाजे इस्लाम ने बंद किया है

तो इंसान हजारों बीमारियों के अंदर लेकिन इमाम शाफी कही है फरमाया कि इतनी ताकद इसलिए भी है कि पुराने जमाने में अरबों में दस्तूर था पानी कम था अब आज तो जरूरत पड़ता है जो जाहलियत थी हा? आज वही जाहिलियत फिर उसको हम जाहिलियत कहते हैं और आज उसको क्या कहते हैं? फैशन कह देते हैं। लेकिन है जाहलियत सोचो जाहिलियत में पानी कम था अरबों में तो इस्तिंजा और कदा हाजत करने के बाद पत्थर से पहुंच लेते थे ठीक है ना इमाम शाफी रम्ला वगैरह कहते कितना भी पत्थर से पूछ लिया जाए लेकिन गर्मी का मौसम हो अगर पसीना वगैरह हो जाए हाथ इधर उधर हो जाए जितना पानी से धुलने से सफाई होती है पत्थर वगैरह इस्तेमाल करने से कभी उतनी सफाई ठीक है ना भाई अच्छा वो जाहिलियत आज पानी होने के बावजूद लौट आई है बस इतना है कि उसको जाहिलियत कहते इसका नाम फैशन रख दिया गया है अब उन इलाकों के अंदर अगर वाकई आबाद है ठीक है इसमें कोई शक नहीं कि जायज है इंसान पाक हो जाता है लेकिन क्या युहिबुलता यु, क्या युहिब, इन युहिबु न, युहिबुल देखा जब ये आयत नाजिल होगी तो कुबा वालों से पूछा कुबा वालों की बड़ी तारीफ अल्लाह ने पूछा क्या बात है तुम लोग तारीफ अल्लाह ने नाजिल की है अल्लाह कुछ नहीं हम लोग कदाए हाजत के लिए जाते हैं तो हम लोग इस्तींजा पानी से करते देखा इसका मतलब कि जायद चीज तो है ही है लेकिन पानी से जो सफाई सुथराई होती है वो किसी और चीज से नहीं होती है। ने इसलिए उन लोगों की तारीफ की जो पानी इस्तेमाल करते थे तो आज अगर कोई ऐसे इलाकों में है कि वाकई वहां पानी के इंतजाम नहीं तो बहरहाल अब कितना भी फैशन कहेंगे लेकिन हदीस अपनी जगह पर है कि ऐसे लोगों के लिए हाथ धुलना वाजिबात में से है पता नहीं हाथ इंसान का इधर उधर हो गया तो गंदगी और गलादत हाथों में लगी फिर उसी को क्या किया पानी में डाला पानी के पलित हो जाए तो इन तमाम चीजों तो से बचते हुए चूंकि उसको ये पता नहीं कि उसका हाथ कहाँ घूम हाँ रहा था ठीक है ना जब भी तुम में से कोई सो करके उठे तो अपने हाथ को हर गिर्द ना डुबोए किसके अंदर ना डाले एना में बर्तन में कैसे बर्तन में जो पानी वाला है हताह सलासन जब यहां तक कि तीन मरतबा धुल न उसकी वजह क्या है लादरी जमहूर अहले इल्म कहते हैं कि यह हुकुम आम है चाहे दिन में सोए या रात में सोए इमाम अहमद बिन रहमतुल्लाह रहा कहते नहीं ये हुक्म जो है रात में सोने के क्यों रात हाथ ने रात कहां गुदा रहा है पता नहीं यानी क्या मतलब पता नहीं यहां गया कहा गया वो रात रात भर कहा हाथ घूमता रहा है पता नहीं इसलिए माम अहमद हम्बल कहते हैं कि हुक्म खास है किस, किस नीत के साथ रात को दिन में जो सोया है तो नहीं लेकिन आज दिन में जो सोया जा जाता है उसकी दो शक्लें याद रखो आज दिन में जो सोया जा जाता है वो उसकी दो शक्लें हैं नंबर एक हम और आप हैं कि कोई लंबी नींद नहीं सोना है खाना खाए कहलूला किए दस मिनट पंद्रह मिनट आधे घंटे आदमी लेट के आराम ठीक है, है ना ये लोग तो यकीनन हो सकता है इतनी देर में हाथ इधर उधर ना जाए लेकिन एक वो लोग हैं दिन में सोने वाले जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है और दिन में उनको पूरी नींद करनी है एक लंबी नींद यानी घंटों सोते हैं उस सुबह ड्यूटी करके आएंगे तो हो सकता है आप दोपहर के वक्त तो अहमद बिनहम्बर रहा के फरमाने का मतलब ये समझा जाएगा कि वो थोड़ी देर वाली नींद जो है लेकिन एक तवील अरसे तक लंबी नींद जो है चाहे दिन की हो या रात की बहरहाल उसके लिए हुक्म जरूरी है और जमहूर अहले में कहते हैं नहीं रात दिन का कोई मामला नहीं है इंसान को हर हाल में भूलना होगा अब यहां एक चीज और है वो भी समझ लें हमारे भाई हैं हाथ में दस्ताना पहन के सोए हुए हैं हाथ में दस्ताना या इसको खूब कस के कि किसी गलत जगह हाथ ना जाए मिसाल के तौर पर इनको सौ फीसद यकीन है कि हमारा हाथ कहीं नहीं गया क्या या उसको धुलना चाहिए कि नहीं धुलना चाहिए या दस्ताना वगैरह कपड़े वगैरह लपेटे जो कोई बहाना तो यहां दो कौल हैं दो कौल हैं यहीं से ईम इख्तलाफ होता है इसीलिए अगर सरफ में किसी हदीस आयत के समझने में कोई इख्तलाफ हो तो किसी को बुरा नहीं कहा जाएगा यहीं से इख्तलाफ होता है हदीस तो एक ही है लेकिन अब मसला वाकई अल्लाह सुल तो बयान कर दिया एक मसला यहां है कि एक आदमी हाथ में दस्ताना पहना या कपड़ा लपेटा है उसका हाथ कहीं जाए भी तो नमा उसने के बाद उसको निकाल दिया क्या उसके लिए भी हाथ धुलना है कि नहीं है तो अब यहां कुछ लोगों की निगाह उस इल्ला पर है रागौर से सुने कि आखिर धुलने का हुक्म क्यों दिया गया धुलने का हुक्म क्यों तो कहते हैं धुलने का हुक्म इसलिए दिया गया कि हाथ में नजासत गंदगी लगने का चांस है। जैसे कि हमने बताया वगैरह आप उसके करते थे वैसे भी कुछ लोगों को बीमारी होती है पानी से इस्तीजा करने के बावजूद भी गंदगी का चांस रहता है जिससे बहुत सारी बीमारियां हैं इसलिए हर नमाज के पहले उनका इस्तेंजा करना जरूरी होता है तो ए, कहते इल्लत क्या है इसमें हाथ धुलने का हुक्म क्यों दिया गया हाथ के नापाक होने का चांस है ठीक है ना अब अगर किसी ने पहन रखा है और उसको निकाल देगा दस्ताना पहन रखा था तो गोजा की अब नापाक होने का कोई चांस नहीं हाथ तो इधर दर हुआ लेकिन दस्ताना या कपड़ा पहनने की बांध लेने की बिना पर अब नापाकी लगने कोई चांस नहीं आगे बात समझ में बात बिल्कुल माकूल है वजह एक उल्मा का एक कौली है नंबर दो अहले इल्म की एक जमात है कि नहीं हर हाल में चाहे उसके दोनों हाथ बांध दिए गए होता कि कहीं ना जाए जब भी बहरहाल अगर शोक उठता है तो हाथ धुलना है क्यों कहते हैं यहां इल्लत का मामला नहीं है अल्लाह के रसूल के हुक्म का मामला ताब्बुदी इसको क्या कहते हैं अमरे ताबुद्धी फर्क है ताबुद और इल्ला एक गिरोह ने इल्लत पर गौर किया दूसरे ने ताबुत पर आई बात समझ में दूसरे ने ताबुत पर ताबुत का मतलब क्या होता है ताबुत का मतलब इसको कहते हैं ताबुद्धी अमर ताबुत का मतलब क्या होता है ताबुत का मतलब ये कि कोई इल्लत तो जरूर है लेकिन हर हुक्म की इल्लत मानना मालूम करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है बस हमारे लिए ये है कि अल्लाह उसके रसूल ने जो कुछ कहा जैसे कहा उस पर हमें अकल नहीं लड़ाना है उसमें बल्कि आमन्ना व सदकना है कोई इल्लत तो है अब बगैर इल्लत के अल्लाह हुक्म ही नहीं देगा हर चीज में अल्लाह उसके रसूल के हर हुक्म में कोई ना कोई हमत है लेकिन यह कोई जरूर नहीं कि हर हुक्म क्या कि इल्लत मुझे मालूम हो जोहर की चार रकात क्यों है फज्र की दो ही रकात क्यों है ईशा वक्त जोहर और असर में किरात शिवी है और फजर में जेहरी है और ईशा और मगरिब में आधी आधी है ये क्यों है हमारे पास क्यों का कोई जवाब नहीं क्या ये अमरे ताबुद्धी है समझ गए ना एक रकात में एक ही रुकू है एक ही सजदा क्यों दो सजदा क्यों ऊपर वाला जानता है कि क्यों ऐसा हुक्म दिया गया समझ गए ना हमें हुक्म है सजदा करने का हा? जितना नबी ने हुक्म दिया है उतना करना है अब अदद का मामला है ये अमरे ताबुद्धी है तो अहिल इम की एक बड़ी जमात कहती है कि चाहे हाँ आपके हाथ में कुछ लगे या ना लगे, बहरहाल इसको सो करके उठने के बाद धुलना चाहिए चूंकि अमरे ताब्बुदी है ठीक है ना चलो हदीस नंबर ना नहीं कहा हो छत्तीस है चलो किसका हाँ मकरूह तंजीही या देखें इसको अक्सर अहिल इल्म ने वाजिबात में से कहा है यानी नहीं ये तहरीमी होगी नहीं ये तहरीमी समझ समझिए ना फलासन्ना ताकिद फला यग मिस समझे ना इसीलिए अहले इल्म की जैसे अहमद ए अहले इल्म की एक बड़ी जमात यही कहती है क्या है वो जो ऊपर अमल किया जाएगा जी चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्लासूल व وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وبالغ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا أَخْرَجَهُ الْأَرْبْعَةُ وصحه إِبْنُ خُذَيْمَةً وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رَوَايَةٍ إِذَا تَوَضَّأْتَ فمد إس حديث كرابه لقيت ابن السابرة رضي الله تعالى عنه इनकी कुन्नीत अबूरदीन है और ये मशहूर सहाबी हैं कहा जाता है ताइश के रहने वालों में से सख्फी सहाबी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि साहब ने इनको हुक्म दिया अजा तो असबल वजू जब तुम वजू करने के लिए बैठो तो असबिल वजू वजू को इसबाक यानी मुकम्मल वजू करो अच्छी तरह से करो इस बागुल वजू किसको कहते हैं सुन्नत के मुताबिक हर हर आज़ा को तीन तीन मरतबा धुला जाए और जैसे नबी रहे ने रह दिया वैसे वजू किया जाए और इसका अंदाजा उस हदीस से और लगता है जिसमें नबी रहे ने इर्शात रमाया कि सलासुन कफारातुन व सलासुन दराजात व सलासुन मुहलिकातुन व सलासुन मुंजियात बड़ी तबीर है तीस बहुत सारी इसमें एक मौके पर आपने में अला 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 मा यमहुल्लाहु बिल खताया द दराजात क्या मैं तुम लोगों को बताऊं ऐसा अमल जिसके जो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है कफारा हाँ जिसके जरिए अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है और वयर फोबेद दराजात और जिसके जरिए अल्लाह तला तुम्हारे दर्जात को बुलंद करते हैं ऐसी बात बताओ क्या है इस बागुल मकारे वरक उलदाम व इंतजार असलाते तीन अमल हैं नंबर एक इसबागल वजू अरल मकारी तकलीफ के बावजूद परेशानी के बावजूद वजू को मुकम्मल करना वजू करने में कितनी भी तकलीफ हो रही हो आप एक मरतबा भी हाथ धुलने वजू तो हो गया फर्द एक मरत है क्योंकि कभी कभार अल्लाह रसुल ने एक ही मर्तबा वजू किया है समझ गए ना एक मर्तबा कुल्ली कर लिया हो गया लेकिन मुकम्मल वजू क्या है तीन दिन बताओ। इस बाह अलमकारी आपको कोई तकलीफ है कभी बैठने में तकलीफ है कभी कमर में तकलीफ है कभी सर्दी की तकलीफ है कभी गर्मी की तकलीफ है बहुत सारी वजूह लेकिन आप तकलीफ बर्दाश्त करते हुए मुकम्मल वजू कर डालें ये आपके लिए क्या है बेहतरीन आमाल में से जिसके जरिए इंसान के गुना माफ होते हैं तो तीन आमाल हैं नंबर एक वजू नंबर दो वनकलकदाम अपने पद कदमों से मसाजिद की तरफ आना और जाना नंबर तीन आनफरम इंतजार एक नमाज पढ़ करके दूसरी नमाज का इंतजार करना यह है तो आप इसीलिए बड़ी रगबत दिलाते थे इस बागुल वजू की फिर आपने फरमाया वल्ल बीनल असाब ए और अपने उंगलियों के दरमियान खिलाल करो खल्लिल खिलाल खिलाल के खिलाल के मैंने घुस जाना फजासु खिलात दियार घुस गए घरों में तो उंगलियों में खिलाल करना हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियां सबसे पहले आपने इस हदीस में कई चीज का हुक्म है पहला हुक्म क्या है इस बागे वजू अशिल वजू नंबर दो वह खिल बीनल असामिर अपने उंगलियों का खिलाड़ करो और पूरी उंगलियां खिलाड़ अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं एक ये भी हो सकता है हाँ, या ये आप जो कर लेते हैं ना ये बस हो गया खिलाल. लेकिन पैरों के उंगलियां खिला करने में ये सब नहीं हो सकता वो अलग अलग करना पड़ता लेकिन खिलाल दोनों करना है एक चीज और याद रखिएगा इसमें बड़ी कोताही कुछ लोग ऐसा करते हैं सीधे पैर को देखा होगा वजू खाने में क्या करते हैं वो नल खोल करके हाँ तो गुना हो रहा है हाथ इस्तेमाल नहीं करते कुछ लोगों के उंगलियां इतनी ज्यादा सटी होती है आपस में कि बहरहाल पानी नहीं पहुंचता जरूरी है कुछ लोग क्या होते हैं उनकी उंगलियां बहुत मिली रहती है। पसीना आता है तो उनका ये जख्मी हो जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि पानी ना पहुंच पाए ये भी गलत है तो इन चीजों का ख्याल हो वो खल بينل और नंबर तीन दो हुक्म हो गए ना नंबर तीन व बालिग फिल इसमा और एलकीप समरा मरा इस खूब मुबालगा करो यानी ज्यादा से ज्यादा जोर और ताकत के साथ खींचो खूब ऊपर तक ले जाओ क्यों कभी गंदगियां यहां नहीं यहां नहीं बल्कि क्या होगी वो ऊपर तक ऊपर तक खींचो फिर उसके बाद इस, तिन्षार। इस तिन्षार, फिर उसके बाद, बाद हाँ इल्ला न हाँ ये खतरा है मगर ये कि तुम रोजे से हो तो रात संभाल ना खींचो तो लेकिन इतने दोस्त से ना खींचो कि पानी क्या हो पता चल गया कि नाक से भी कोई चीज मेदे में डाली गई तो वो मुश्किल हो जाता इसीलिए कहते हैं दो मनफज हैं वजू को रोजे को तोड़ने वाली चीजें जो क्या हैं वो दो नंबर एक ये और नंबर दो इसीलिए देखो जब ये काम नहीं करता तो यानी ये दो सुराख ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह ने किससे रखा है बताओ तो अल्लाह के कितना कर्म है हा? आज एक आदमी गाड़ी रखता है खैर तो साइकिल भी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद तो चार टायर वाली है तो छह टायर है तो कम से कम पांच टायर जरूर रखता है सिर्फ इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं खराब हो जाए तो इमरजेंसी में दूसरा काम है अब के निजाम जरा देखो अगर वाकई नाक वाला सिलसिला ना तक पहुंचा दिया होता किसी का ये जवाब दे फिर उसके गाँव पहुंचाने के क्या रास्ता था। और अब तो दुनिया ने बता दिया कि हर आदमी के रान में कितनी पाइप है दो की कहीं ये जो दिल क्या कहते वो वो हा खत्म हो जाता तो, तो कहां से निकालते हैं अल्लाह ने कितने दिनों के बाद डॉक्टर के और डॉक्टर कहते हुए इससे ही बेकार सेट करके रखी हुई है ऐसा भी नहीं कि हाँ कहा उसको कहीं से काटना जोड़ो कहते बस वैसे ही निकालो और निकालो अल्लाह का निजाम जरा देखो कि जब ये वाल खराब होने लगा तो अल्लाह ने उसका अब आप बताओ ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है क्या नाक से हलक जवाब दे जाती है तो इंसान को नाक से सुराख करके पाइप डायरेक्ट मेदे में जो चीज पहुंचती क्या है वो इसीलिए रोजे को तोड़ने वाली जो चीजें हैं बदन में तो बहुत सारी चीजें जाती हैं ये देखे हर रोवे के नीचे एक अल्लाह ने क्या रखा है मसांसुराख रखा है क्यों आप तेल कहीं डॉक्टर दवा देता है अगर अंदर जाने के कोई चांस ना होता तो अंदर दवा कैसे जाती है आप नहाते हैं पूरा बदन कैसे ठंडा होता तो पूरे बदन में जरा देखो अल्लाह ताला ने कितना निजाम रखा है लेकिन इनमें से किसी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है इनके जरिए कोई गजा नहीं पहुंचा सकता हालांकि इंजेक्शन लगा करके दवा रग में पहुंचा देता है लेकिन मेदे में नहीं पहुंच सकती पहुंचती है दवा रगों में होती है ना अल्लाह लेकिन अगर किसी को नाक के जरिए मुंह के जरिए नाक के जरिए भी मेदे में कोई चीज उतारी गई या उतर गई तो वो उसका टूट जाता है क्यों ये दो मनफिन दो मेदे तक पहुंचाने वाले डायरेक्ट मेदे के जो कनेक्शन कितना है दो सूराख एक मुंह हरक और दूसरा नाक और ये भी मेरा कहा नाक वाला भी जाकर करके यहां हरक के बाद कहीं मिल ही जाता है इकट्ठा ही हो जाता है चलो नंबर चार नंबर चार सुन विदाउत की रवायत में इदा तो फाम और जब तुम वजू करो तो कुल्ली जरूर करो कितनी चीजें का हुकुम किया अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदी में चार नंबर ए क्या करो इस अशिल वधु वधु मुकम्मल करो कहीं ऐसा ना हो कि गीला रह जाए यानी क्यों जिसमें ये दोनों कुहनिया और ये पैर जो है पीछे वाली एरी यहाँ जरा सा कोताही की जाए तो पानी पहुंचना मुश्किल खास तौर से सर्दी में जो खेती बाड़ी के काम करने वाले लोग होते हैं सर्दी में अजीब आप लोग तजर्बा हाँ आप लोग इन्हों को होगा इस सर्दी में ये चमड़ी की पोजिशन भी ऐसी हो जाती है कि पानी जहां रखो वही सरकता नहीं अभी तो गर्मी माशाल्लाह यहाँ रखो तो यहां पहुंच जाएगा और अब लोग तो जब लेकिन जो खूब कड़ाके की सर्दी ये चमड़ी की कुछ ऐसी बन जाती है कि जब तक हाथ से पूरा रगड़ो नहीं तब तक पानी नहीं पहुंचता जा, रह जाता है सूखा मुश्किल हो जाता है इसीलिए बहुत ताकीद की गई है क्या किया जाए इस बागुल वजू नबी रह जब मक्के से वापस आ रहे थे सही बुखारी की रवायत है कुछ लोग पानी नहीं मिल रहा था रास्ते वोजू करने के लिए पानी और असर का वक्त जा रहा था तो तेजी के साथ लोग कराम को जो गिरोह आगे जा रहा था उसको कहीं एक जगह पानी मिल गया और नबी रह पीछे से आ रहे थे उन्होंने जल्दी जल्दी वजू किया और वजू करके नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे इतने में नबी लहसाम पहुंच गए नबी रेस ने देखा कि इन्होंने वजू तो किया है लेकिन इनमें कितने ऐसे जिन्होंने जल्दबाजी से वजू किया इनके आकाब आका जो हैं वो आपने बड़े असबेदुल वजू वजू पूरा करो वही लुल्ल आका विमिनार वही लुल्ल आका विमिनार वही आका बेमिनार अरे वो वजू करने वाले नमाजियो जिनकी एड़ियां खुश्क रह गई हैं उनको जहन्नम में जलाया जाएगा तो इसलिए इस बागी वजू का खास ख्याल होना चाहिए कोई जगह खुश्क रह गई तो इंसान का वजू मुकम्मल नहीं होता जरूरी है कि हाथ वगैरह से मसलता रहे ताकि कोई जगह आजा वजू में खुश्क न रह जाए नंबर दो आ उंगली हाथ और पैर की उंगलियों में क्या किया जाए हमेशा वदू के अंदर खिलाल किया जाए नंबर तीन इस दिन अगर वो रोजेदार नहीं है तो जितना ऊपर तक पानी खींच सकता हो वो पानी खींचे ताकि नाक बिल्कुल साफ हो जाए नमाज में नाक में उंगली डालने की नौबत न आए और नंबर चार मधमदा मधमदा किसको कहते हैं मधमदा कहते हैं इदार है? तुल्बा फिल्फा में बेसिदा मुंह में पानी लेकर के ताकत से पानी को हरकत देना ताकि दांतों में या हलक में या जबान के नीचे छुपी हुई कोई चीज जो है वो निकल जाए ये चार चीजों का हुक्म दिया बाकी इंशाल्लाह